पहली बार गाइस पासपोर्ट बनाने जा रही है। पासपोर्ट पहाड़ में रहने का मजा ही अलग है सच में। खीरा है गाइस, इतना बड़ा खीरा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं कर अपनी व्लॉगिंग अभी स्टार्ट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मानसी के पासपोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके पासपोर्ट के लिए हमने अप्लाई किया था, तो आज हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो 12:15 में हमें पहुंचना है वहाँ। तो मानसी का तो हमने बना लिया पासपोर्ट, समझ लो मतलब बन जाएगा। तो जल्दी मैं भी अपना बना लूँगा, मैं तो कब से सोच रहा था बनाने की। तो गाइस यहाँ बहुत जगह जाने की ख्वाहिशें हैं हमारी, भविष्य में कभी सपने सच हुए तो जाएंगे ज़रूर। तो इसीलिए हम पासपोर्ट पहले ही बना ले रहे हैं, मतलब बाद में कोई दिक्कत ना आए। चलो जल्दी से चलते हैं। मानसी तैयार हो गई है, मैं तो पहले से तैयार हो गया हूँ, देखो फुल्ली रेडी। मानसी रेडी हो गई है, जल्दी करिए यार। तो गाइस यार सुबह से मुंह भी नहीं धोया है, तो चलो पहले मुंह धो लेता हूँ, बिना साबुन के धोता हूँ हमेशा मैं। चलो मस्त करके मुँह हाथ भी धो लिया, अब चलते हैं। देखो इस ये धूल से कैसी हो गई है, कितनी गंदी हो रही है, ये धोनी भी है क्या। हेलमेट की वजह से फिर एक बवाला हो गया इसने, अभी हेलमेट किसी को दे दिया हमारा, दूसरा वाला हमारा था वो किसी और का ही था वो, एक हेलमेट बचा है तो एक किसी से मांग रहे, फिर चलते हैं। देखो कैसा हेलमेट है, ये ले लिया। और गाइस देखो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो ये भी ले लिए। हाथ में क्या हुआ तेरे, ये नीचे ने नाखून लगाया, इशू और इसकी लड़ाई हुई थी परसों, देखो कैसा हुआ है, नाखून लगाए हैं इसे। चलो सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, तो देखते हैं गाइस। हाँ मानसी बहुत खुश है, तो पहली बार गाइस पासपोर्ट बनाने जा रही है। पासपोर्ट 12:15 में पहुंचना है करेक्ट। देखते हैं गाइस वहाँ की टाइमिंग कैसी होती है, पहली बार हम पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं, पता नहीं गाइस कैसा होगा, थोड़ा डर भी लग रहा है, मुझसे ज़्यादा तो मानसी को लग रहा है। हमें ऑफिस का भी नहीं पता, अभी तो हम मैप में ढूंढ रहे हैं और मैप के जरिए ही जा रहे हैं हम, अभी पता नहीं कहाँ पे है। तो गाइस कार्ड गोदाम पहुँच गए हैं, तो आसपास ही कहीं पे है ऑफिस, पहुँच चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस। तो देखते हैं अंदर जाके क्या होता है गाइस, ये तो बहुत डरी हुई है, इससे ज़्यादा मैं डरा हुआ हूँ, अंदर चलते हैं। पहुँच चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस, तो देखो ये लाइन में लग गई है, अंदर भीड़ लगी है, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, 12:15 डेरी वो है इसकी। गाइस मानसी तो अंदर चली गई है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं इसके, अभी मुझे लग रहा है उसने कुछ गड़बड़ भी करी है फॉर्म भरने में, उसने कुछ ही भरा है ना, मुझसे भी नहीं बोला। गाइस यार एक पोपट हो गया मानसी का, इसने इसमें गलत कर दिया है फॉर्म में, इसने अपने फॉर्म में एड्रेस गलत डाल दिया, या तो हमें आधार कार्ड में चेंज करना पड़ेगा या फिर से ये करना पड़ेगा अलग से। तो यार गाइस गड़बड़ हो गई यार, मुझसे मत बोल गाइस, एक बार पूछ लेती तो सही हो जाता। इसने हमारी कॉलोनी नई बन गई है ना, शिवालिक कॉलोनी हो गई है, पहले दूसरा नाम था तो अब दूसरा हो गया, इसने नई वाली का नाम चढ़ा दिया, पुरानी वाली का चढ़ाना चाहिए था, सारी गड़बड़ हो गई। चलो गाइस यहाँ मानसी तो अब परेशान है, पहले इसी की गलती है गाइस, किसी से पूछने में कुछ नहीं जाता है गाइस, कभी भी ऐसा हो ना तो पहले किसी से सलाह ले लो, अगर नहीं आता है तो पूछ लो गाइस। मैं कुछ नहीं कर सकता, चल चल रहे हैं वापस घर। अरे चल मैं कर दूंगा सही, चलो घर चल के देखते हैं, या तो इसके आधार में चेंज कराते हैं या फिर इसमें चेंज हो जाएगा तो इसमें चेंज करते हैं। मुझे याद भी नहीं है ना गाइस, जब मैं साइबर कैफे में था मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं भूल भी गया हूँ बहुत चीज़ें, तो अभी देखता हूँ घर जाके क्या होता है। गाइस यहाँ पे बगल में आए थे तो यहाँ कैसे छोड़ सकते थे आना, तो बगल में ही ये है तो आ गए हम। तो गाइस यहाँ कितना मस्त मस्त पानी आया है यार, हमारे उधर को धूप लग रही है और यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और देखो वहाँ भी लोग गए हैं उधर इतनी दूर, और हल्की हल्की बारिश हो रही है गाइस, क्या मस्त मौसम हो रहा है यहाँ का यार, यहाँ का क्या मस्त व्यू आता है ना पहाड़ों का, मज़ा ही अलग है पहाड़ों में, पहाड़ में रहने का मज़ा ही अलग है सच में। पुलिस वाले मना कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होने के लिए, तो चलते हैं गाइस आप सीधे घर। और थोड़ा सा पोपट हो गया मानसी को, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इसका पासपोर्ट गड़बड़ कर दी, इसी ने गड़बड़ करी है तो इसे ही बुरा लगेगा। ऐसी हमें धक-धक हो रही थी ना कि पासपोर्ट बनाने में क्या क्या होता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा टेंथ की मार्कशीट और एक आधार कार्ड और बैंक की पासबुक बस, मतलब सारी चीजें डॉक्यूमेंट सारे ले आओ, मतलब हो जाएगा, धरने की कोई और भी या तो रीसेंट वो और बैंक में रीसेंट प्रिंटिंग होनी चाहिए।
जब भी हम कहीं कुछ काम हम अपना करवाने जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है गाइस। बस यार दूसरी बार पर हो जाता है हमारा काम, दूसरी या तीसरी बार में। तो गाइस यार हम जैसे तेल डाले ना, अभी हमने 50 रुपये का तेल डाला, तो ये 2 डंडे दिखा दे रहा है सीधे, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। और ये जैसे ही ऊपर वाला डंडा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दोनों डंडे एक ही साथ चले जा रहे हैं, जब 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 हो रहा है। हमने सोचा तेल कम होगा, जैसे 50 का डाला 2 डंडे आगे, पता नहीं ये क्या दिक्कत हो रही है। गाइस यार खतरनाक जाम है, यहाँ से क्यों आ रही है आज गाड़ियाँ सारी। गाइस इस रोड में तो नहीं लगता था जाम इतना लंबा, पता नहीं लगता है सुबह के टाइम पे क्या हो रहा है। इस रोड में मैंने इतना लंबा जाम देखा ही नहीं आज तक। फाइनली गाइस जाम से निकल गए हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर, आंसी का काम तो हुआ नहीं। तो गाइस कुछ खाना वाना बनवाते हैं जल्दी सा, फिर खाता हूँ, फिर ड्यूटी भी जाना है। गाइस यहाँ कमीज में तो गर्म हो रहा है, तो कमीज उतार देता हूँ, नहा लेता हूँ मैं पहले। गाइस इसको देखो आती शुरू हो गई, अभी थोड़ा ठीक होता है वो, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, अभी नहीं होता है, अभी कर दूंगा मैं। चलो गाइस मैंने नहा लिया, अभी मैं खाना पता नहीं कौन बनाएगा आज, दो वाईफाई को क्या है। चलो दिन के खाने की तैयारी करते हैं, मैं काटता हूँ अभी कद्दू, तो अभी कद्दू की सब्जी और चावल बन रहे हैं। चलो गाइस खाना खाते हैं, हमारा खाना लग गया है। कद्दू की सब्जी मैंने बनाई है, प्याज किसने रख दिया इसमें। तो गाइस चलो खाना तो खा लिया, थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर चलता हूँ मैं ड्यूटी को। गाइस मैं हो गया हूँ तैयार ड्यूटी के लिए, मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी। तो अभी मानसी लोग आराम कर रहे हैं और दुकान में करने से बैठे हैं, तो अभी मानसी मिल के उनके बोलेगी, तो मैं तो अब शाम को ही आऊँगा गाइस। तो चलो मैं करके आता हूँ ड्यूटी, फिर मिलता हूँ आपको घर आने के बाद सीधे शाम को, तब तक लग के बाय। तो गाइस 7:30 हो गया, मैं आ चुका हूँ गाइस घर, और गाँव से इज्जा लोगों ने सामान भेजा है, तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं इस सामान की, क्या क्या आया है। सबसे पहले तो आई है तुरई, हो गया शिमला और बैंगन, और गाइस ये है, इसमें भी बैंगन और मिर्ची है इसमें, और देखते हैं। तो ईशु बाहर उतार जूते। ओ गाइस पहाड़ी खीरा, ये देखो गाइस, ये खीरा है गाइस, इतना बड़ा खीरा, बहुत ही टेस्टी होता है। पहाड़ी नमक भी भेजा होगा उसके साथ खाएंगे। 3 बड़े खीरा, 4 गाइस ये है लौकी, गांव से इजा ने भेजी है सारी चीजें, और कद्दू भी है इसमें, कद्दू अभी, और ये है तुमड़ा, कद्दू नहीं है गाइस ये तुमड़ी है, तुमड़ी लौकी की प्रजाति होती है एक अलग वाली, और ये देसी वाला कद्दू है। पहाड़ में भी देसी कद्दू उगाने लग गया है। मूली भी आई है, अभी तो बहुत सामान है इसमें, और बड़ा ये वाले कद्दू है गैस इसमें, और बस इतना ही है। ये देखो इतना सामान, सारा पहाड़ी। मानसी अभी दुकान में बैठी है, तो मैं तो पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ। मैं आ गया हूँ दुकान में, तो मानसी आज दुकान का सामान सेट कर दिया, देखो कहाँ चढ़ी हुई है, ने सारा सामान सेट कर दिया अच्छे से, ये देखो सारे अच्छे से लगा रही है सारी सामान, देखो यहाँ सब कैसे फेंका है इसने। गाइस पता नहीं कितनी देर लगेगी हमें ये सारा काम करने में। गाइस दुकान बंद करके आ गए हैं, तो जितना सामान हमसे अभी होता था हमने उतना कर दिया, और अब सुबह को करेंगे आधा, वैसे ही रख के आए हैं। तो चलो अब हम खाना ना खाते हैं, तो मंजिली लोग सोए हैं, कन्नू ने हमें खाना दे दिया, आज हम थक के आए हैं ना, सब खाना मंजिल लोगों ने और कन्नू ईशु ने बनाया, आज हमें खाना है खाली। ये इतनी सब्जी क्यों ले आई, तो कद्दू करके लाना पागली है यार। ये खाने में चावल, लौकी की सब्जी, और ये क्या है, कद्दू की सब्जी मैंने बनाई है गाइस स्पेशल, बहुत मीठी हो रही है। गाइस यार खाना तो खा लिया है, और ये मानसी को देखो गाइस भूत बन गई, इधर को देखते जरा, ये देखो पता नहीं क्या लगाया है। और गाइस 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 अभी एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, मैं करने वाला हूँ 75 हार्ड चैलेंज गाइस, कल या परसों से स्टार्ट करूँगा, पता नहीं कब से करूँगा, मुझे नहीं बताया, कल करूँ या परसों से करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है 75 हार्ड चैलेंज में। तो चलो यार गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।